back to my channel once again. This is Avantika welcoming all my happy faces. आज के दिन में special क्या है और मैं kitchen में क्यों हूँ? ये question आपके दिमाग में आ रहा होगा. अभी solve करते हैं. First of all, happy Easter to all my happy family. आप सबको मेरी तरफ से, मेरी family की तरफ से, may you have a blessed resurrection day. All right. So आज क्योंकि इतना special day है हमारे लिए, so हम बनाएंगे कुछ special खाने में. सो आज हम लंच में पहले बना रहे हैं चिकन बिरयानी एंड फॉर डिनर वी हैव बटर चिकन. बिकॉज यू नो व्हाई, देयर इज रीजन, बिकॉज चिकन बिरयानी इज गोइंग टू बी वे टू स्पाइसी एंड उसको थोड़ा सा मिनिमाइज करने के लिए हमारे पास होगा बटर चिकन. सो थोड़ा सा एक बहुत स्पाइसी डिश है और दूसरा ओके. सो अब हम Without further ado, let's get started. So, हम start करते हैं अपना chicken biryani. So, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको मैं दिखाती हूँ. ये है हमारा marinated chicken. All right, दिखा थोड़ा सा तो दिख गया होगा. Chicken marinate करना सबको आता है और अगर आपको नहीं आता तो आप मुझे नीचे comment करके please पूछ लीजिएगा, तो मैं आपको पूरा एक रेसिपी इस पे बना के दिखाऊंगी कि मैंने कैसे मैरिनेट किया है. और ये मैंने कल रात में मैरिनेट कर दिया था और कल रात में मैंने शूट नहीं करा था बिकॉज बहुत ज़्यादा काम था, तो फिर हमने जल्दी जल्दी सारे काम करे हैं. सो अभी हम शुरू करते हैं अपने मैरिनेशन के साथ, सॉरी अपने यू नो अपना चिकन बनाते हैं. आइएगा ब्लॉग में और इसको देखने के बाद लाइक ज़रूर करेगा. इतने सारे लोग देखते हैं पर लाइक नहीं होता किसी से. ठीक है भैया, कोई बात नहीं, हम मेहनत करते रहेंगे. आप व्यूज ही दे रहे वही बहुत है हमारे लिए, बट प्लीज यार लाइक कर दिया करो. सो गाइस, ये रहे हमारे पास स्पाइसेस जिसमें हमने लिया है बेलीफ, तेज पत्ता, और यहाँ पे है क्लोव, लौंग है हमारे पास, ब्लैक पेपर है, काली मिर्च एंड दालचीनी है, जीरा है, रेड चिली है, और इस ये हमारे पास वो है बड़ी इलायची है, और ये क्या पता नहीं यार ये क्या, जिसको पता हो कमेंट कर देना. ऑल राइट गाइज, बहुत मुश्किल से यहाँ पे ये सेट हुआ है कैमरा, इससे बेटर मेरे को वो एंगल मिल नहीं रहा है. तो अब मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी. मैंने गैस ऑन कर दी है, उसके बाद मैं डायरेक्ट कैन से इसमें ऑयल ट्रांसफर करूँगी. सो आप देख सकते हैं कि ऑयल हमारा गर्म हो गया है, तब हम अपने मसाले डालने शुरू कर देते हैं. मसाले में हमारे पास, मैंने आपको बताया था ये सब क्या है. सो हम सबसे पहले डालेंगे बे लीफ, जो हमारे तेज पत्ता है. अरे यार जोर, मैं ना जीरा डालना भूल गई. उसके बाद हम डाल देते हैं जीरा, सबसे पहले जीरा डालेंगे उसके बाद कुछ डालना यार. ओके, उसके बाद हम डाल देते हैं सिनेमन, उसके बाद हम डालेंगे लौंग, ये रहा लौंग. उसके बाद हम डाल देते हैं थोड़े से ब्लैक पेपर, ये थोड़ा सा उछलेगा तो इसको कवर कर देना अगर मन करे तो. अभी तो मैं कवर नहीं कर सकती, मेरे को शूट भी करना है. ये हमारे गए ब्लैक पेपर, मैं कही थी बेल पेपर. ऑल राइट, और ये हमारे बड़े इलायची एंड आई डोंट नो यार इसको क्या कहते हैं, मैं भूल गई हूँ ये पता नहीं यार. और उसके बाद थोड़ी सी मैं रेड चिलीज भी डाल रही हूँ, इसके बिना तो मजा ही नहीं है. यस आई लाइक दैट साउंड. पहले तो मैं कुक नहीं करती हूँ, जब मैं कुक करती हूँ ना बहुत इंटरेस्ट से करती हूँ. चलो अब ये गरम हो गया हमारा तेल, अब इस गरम तेल में हम डालेंगे अपना मैरिनेटेड चिकन. ऑल राइट गाइस, सो पहले इसको थोड़ी देर तक हमें भूनना पड़ेगा चिकन को. और कलर मैंने इसमें नहीं डाला है, कलर मैं डायरेक्ट बिरयानी में डालूंगी. आउच, राइस में आई मीन. कितना मुश्किल होता देखो हम लोग के लिए करना, और उसके बाद एक लाइक भी नहीं आता यार, बड़ा डिसअपॉइंटिंग है. चलो कोई बात नहीं, जो लोग करते हैं उनके लिए मेरा ढेर सारा प्यार. कैसे बनाते हैं, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे पता नहीं कैसे. ऑल राइट, सो ये देखो बहुत बढ़िया लग रहा है यार, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है. अब की बार मैंने थोड़ा बहुत अच्छे से इसको मैरिनेट करा है. पहली बार मैं मतलब जल्दीबाजी में जब बनाती हूँ ना तो अच्छा नहीं बनता, तो लेकिन अब की बार आई वैसे अच्छा बन जाए.
इसको अच्छे से भूनना है हमें. वी नीड टू हैव जेनरस अमाउंट ऑफ ऑयल. वाई? बिकॉज इट इज गोइंग टू गेट एडेड इन बिरयानी ऑल्सो. एंड जो हमारा ये जो चिकन पकड़ा है बिरयानी वाला, इसको हमें हाफ कुक करना, बिकॉज रेस्ट हाफ ये बिरयानी के साथ कुक होगा. सो चलिए करते हैं. जायफल, जावित्री जायफल होता है ना, जैसे जावित्री आई थिंक वो गोल वाला होता है जिससे काफी अच्छी फ्रेगरेंस आती है, और ये दूसरा वाला जो होता है जायफल होता है, ये जो फ्रूट निकलता है उसके ऊपर की कवरिंग से निकालते हैं. सो ये वो है, मुझे पता है. ठीक है, मुझे पता था, मैं भूल गई थी. वो एक टाइम आता ना, स्ट्राइक नहीं होता दिमाग में कि हाँ उसका नाम क्या है. तो मेरे साथ हमारा चिकन का बिरयानी का चिकन, और इसमें आपको ग्रेवी रखना है, बिकॉज अगर आपको स्पाइसी चाहिए है तो ये ग्रेवी रखना पड़ेगा जो हमारा चावल को स्पाइसी करेगा. चीज़ का ध्यान देना है कि आपका जो बोटी है वो हड्डी ना छोड़े, एंड हेंस द फ्लैश शुड नॉट लीव द बोन. इस टेक्सचर पे जब आपका पहुंच गया मीट, तब आपको रोक देना है. मैंने पानी रख दिया है, और इसमें इसके बाद मैंने यहाँ पर दही अपनी निकाल ली है रायते के लिए, जिसमें मैंने सिर्फ नमक और काला नमक ऐड करा है, और ये वाला बूंदी मैं इस पानी में ऐड करूँगी, और उसके बाद हल्का सा जब हो जाएगा तब मैं इस दही में ऐड करके इसमें तड़का दूंगी. सो अब यहाँ पे मैंने बूंदी मिला दी है दही में, अब इसको हम मिक्स करेंगे, और अब इसमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे. पानी आप थोड़ा ज़्यादा रखना, बिकॉज ये हमें चावल पूरे नहीं पकाने हैं, इसमें आधे पकाने हैं. तो सबसे पहले मैं ऐड करूँगी इसमें सॉल्ट. और क्योंकि ऑलरेडी हमने सारे स्पाइसेस लगा दिए हैं अपने चिकन में और फिर उसके बाद ग्रेवी में, तो ये बस थोड़े से स्पाइसेस मैं इसमें डाल रही हूँ फॉर द टेस्ट. अब ये देख सकते हो आप, बस आप देख सकते हैं इसमें उबाल आ गया है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है. इलायची मैंने इसमें नहीं लगाया क्योंकि मैं डायरेक्ट बिरयानी में इलायची का पाउडर लगाऊंगी. हम बेस पे लगाएंगे सबसे पहले तेज़पत्ता थोड़ा सा, जिसको लगाना है ये भी ऑप्शनल है, मतलब अगर आप लगाना चाहते हो तो. इसके बाद हम यहाँ पे सबसे पहले लगाते हैं अपने चिकन की लेयरिंग. सो मैं यहाँ पे लगाने जा रही हूँ. अब बाकी का मैं सेकेंड लेयर पे लगाऊंगी. अब इधर एक पहली लेयर लगाएंगे अच्छी थिक. तो इवन कर देते हैं. अब इसके ऊपर हम वो ग्रेवी लगाएंगे जो हमने चिकन के साथ तैयार करी थी. अच्छा हुआ राइस भी इसमें लगा देंगे. इसको प्रॉपर अगेन लेवल में करके इसमें ये हल्का सा रंग डाल देंगे
जहाँ जहाँ पर भी आपको डालना हो डाल देना, तो अच्छी तरह से कवर करना है। ढक्कन को लगा दिया, और ढक्कन को लगाने के बाद जो सिलबट्टा होता है आपका, इससे इसको थोड़ा सा रख देंगे, इस पे वेट होना चाहिए। तो ये हमारी दम पे लग गई है बिरयानी, और इसको धीमे पे पकाएंगे एटलीस्ट 10 to 15 minutes। और ये हमारा बटर चिकन रेडी है, आप देख सकते हैं बटर चिकन। थोड़ा यहाँ से थोड़ा सा घी का तड़का यहाँ बनाया है रायते के लिए। तो डिफिकल्ट है यार अकेले व्लॉगिंग करना, और लाइक भी नहीं मिलता है। और यहाँ आप देख सकते हैं हमारा खाना रेडी है, सैलेड, रायता, और ये रही हमारी गर्मा गर्म बिरयानी। अब वेट नहीं हो रहा है, बस अब खाना निकालने जा रहे हैं। और ये मैंने निकाल लिया अपना खाना, और आप देख सकते हैं कि चिकन कितना टेंडर है यार, सच में। मतलब आई विश मैं आपको टेस्ट करा सकती एंड जस्ट वी वर सिटिंग विद सम गेस्ट, तो मैं इतना ज़्यादा उनके सामने एक्टिंग नहीं कर सकती थी। तो मैं टेस्ट करके आपको बता रही हूँ, मेरे मुँह में अभी भी टेस्ट है यार। मैंने जब खाया था ना द फर्स्ट बाइट, ट्रस्ट मी इट वॉज सो डिलीशियस, यम्मी। आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी, ट्राई करना ज़रूर। ये रहा केक, केक का फर्स्ट बाइट, ये भी बहुत यम था यार। सो गाइज, आज का शाउट आउट जाता है इन प्यारे लोगों के लिए जिन्होंने मुझे इतने अच्छे अच्छे सुंदर प्यारे कमेंट कर रहे हैं। लव यू ऑल, और ऐसे ही कमेंट करते रहिए और लाइक करते रहिए हमारे ब्लॉग्स को, और बने रहिए हमारे साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।